गदर 2 रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मच चुका है। सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म का ओपनिंग डे का कलेक्शन वैसा ही रहा है जैसी उम्मीद की जा रही थी। फिल्म लोगों को काफी पसंद आई है और बम्पर एडवांस बुकिंग के बाद ज्यादातर सिनेमाघर 80% से ज्यादा फुल रहे, जो एक अच्छा इशारा है फिल्म के कलेक्शन को लेकर। गदर 2 अपने पहले 3 दिन में 100 करोड़ को पार कर गई है। गदर 2 ने पहले दिन 40 और दूसरे दिन 42 करोड़ की कमाई कर ली है। तीसरे दिन भी 40 से 50 करोड़ की कमाई हो सकती है। गदर 2 बहुत महंगी फिल्म नहीं है और फिल्म मेकर्स ने पहले ही दिन नॉन थिएट्रिकल राइट से अपना इन्वेस्टमेंट्स वसूल कर लिया है। अगर वीकेंड पर हो गई छप्पर फाड़ कमाई तो अगले 2 दिन में हो सकती है 200 के क्लब में शामिल। वहीं वीकेंड का फायदा गदर 2 को मिल सकता है। शनिवार और रविवार को हॉलीडे है तो वहीं मंगलवार को 15 अगस्त की भी छुट्टी है। ऐसे में अगले 4 दिनों में फिल्म और भी कमाई कर सकती है। हालांकि गदर 2 का मुकाबला OMG से है और फिल्म को भी अच्छे रिव्यू मिले हैं। ऐसे में कंपटीशन तो जबरदस्त है, लेकिन गदर 2 की आंधी में कुछ भी हो सकता है। 23 साल पहले रिलीज गदर में भी ऐसा ही हुआ था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि क्या कमाल होने वाला है और इस बार भी फिल्म का वही जादू चल गया है। वैसे फिल्म के प्रमोशन के लिए पूरी स्टार कास्ट ने ताकत झोंक दी थी।